सोलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है नई वीडियो में, फिर एक नई वैकेंसी के साथ। डियर वंस अगेन, ईसीएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक हायरिंग कर रहा है, और द बेस्ट पार्ट इज कि भाई बहुत स्टेट्स में हायरिंग है, और जहाँ भी नियरेस्ट ब्रांचेस होंगी वहाँ पे आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ शुरू से। तो हायरिंग है, जॉब रोल है आपका इंटरनल ऑडिटर का, ठीक है, फॉर माइक्रो बैंकिंग चैनल। वहीं अगर हम बात करें तो मिनिमम ग्रेजुएट होने चाहिए और मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको एनबीएफसी का, एमएफआई का, या फिर ऑडिटिंग का। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें तो मेल फीमेल बोथ आर एलिजिबल, दोनों ही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। ठीक है, और आपको जो जॉब रोल रहने वाला है आपका, ठीक है, वो है कंडक्ट कंप्लाइंस ऑडिट रिलेटेड टू माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज, एंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट एंड प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स। तो ये आपका वर्क रहने वाला है। ठीक है, एज अ ऑडिटर आपका वर्क रहेगा, इंटरनल ऑडिटर आपका जॉब प्रोफाइल है फॉर माइक्रो बैंकिंग चैनल। मैं अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन है वेस्ट बंगाल, स्टेट के नाम दिए हुए हैं, वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन स्टेट में हायरिंग है। और जहाँ भी नियरेस्ट आपका जो ब्रांच रहेगा वहाँ पर आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। अगर आपके पास मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है देन आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ग्रेजुएशन बेस पे भी। ठीक है, और अप्लाई करने के लिए क्यूआर कोड दिया हुआ है। अब सैलरी कितना भी कम हो तो भाई डिपेंड करेगा लोकेशंस पे, मिनिमम सैलरी इस स्मॉल फाइनेंस बैंक के हिसाब से बताऊँ तो 25,000 से स्टार्ट हो जाएगी, 25,000 के आसपास तो रह ही सकती है। तो ये एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अप्लाई करने के लिए जस्ट सिंपल है कि भाई आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा स्कैन करके, फिलहाल तो ये देख लीजिए। ठीक है, जॉब रोल इंटरनल ऑडिटर का है फॉर माइक्रो बैंकिंग चैनल। ठीक है भाई, ये आपका वर्क रहने वाला है, एनी ग्रेजुएट और मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है। ऑडिटर का एक्सपीरियंस है वेल एंड गुड, अदरवाइज बीएफएसआई, ठीक है, और या एनबीएफसी या फिर माइक्रो फाइनेंस का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपके स्टेट रहे, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, असम, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, ठीक है, ये इन स्टेट्स में हायरिंग है। ये क्यूआर कोड है, मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। इसको आप स्कैन करके फॉर्म फिल कर दीजिएगा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को कॉल या फिर मेल आएगा, इंटरव्यू शेड्यूल होगा और आपका हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और करियर स्टार्ट करने के लिए या फिर स्विच करने के लिए अच्छा मौका है। ठीक है, और जो सैलरी तो वैसे ज़्यादातर आपके प्रीवियस जो सीटीसी होता है, जो आपका अभी करंट में सीटीसी या फिर आपने किस सीटीसी पे रिजाइन दिया है, तो उस हिसाब से ही आपका हाइक दिया जाता है। 20 से 25-30% तक हाइक मिल जाता है। ठीक है, बाकी इसको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दूंगा, दोनों का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सारी वैकेंसी वहाँ मैं पोस्ट करता रहता हूँ, इसको भी अभी पोस्ट करने वाला हूँ, तो आप डिटेल को चेक कर पाएंगे, क्यूआर कोड आपके सामने होगा, आप अप्लाई करवाएंगे स्कैन करके। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।